ओम सभी को सादर नमस्ते। हम बात कर रहे थे कर्मफल सिद्धांत को लेकर के, कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। ये तो हम मानते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन परमात्मा किस रूप में हमें कर्मों का फल देता है। तो इसमें हमारे बहुत प्रश्न होते हैं कि गरीबी अमीरी, जिस घर में जन्म लिया है वो लोग, माता पिता, हमारी पति और पत्नी, ये सब जो भी हमें मिले हैं, क्या ये हमारे कर्मों का फल है। एक बहन है सुधा पांडे जी करके, उन्होंने पूछा है कि क्या ईश्वर भी हमारा विवाह तय करके भेजते हैं कि किसके साथ होना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जिन पर हम बात करेंगे। तो महर्षि पतंजलि जी ने इसका बहुत सुंदर विवेचन किया है योग सूत्र के द्वारा। सूत्र कहता है सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। तो हमारा जो कर्माशय होता है ना, तो जब कर्म संचित होते हैं, तो कर्म संचित ही इसीलिए होते हैं क्योंकि मूल में, कर्म के मूल में जब हम कर्म करते हैं तो उसमें अविद्या बैठी हुई है, क्लेश बैठे हुए हैं। तो उन्हीं क्लेशों के कारण कर्म का संचय होता है, वह कर्माशय बनता है, और वह क्लेश उसमें रहते हैं इसीलिए उसका विपाक होता है। यदि क्लेश न रहे तो न तो कर्म का संचय होगा, और जब संचय ही नहीं होगा तो विपाक कैसे होगा, प्रारब्ध कैसे बनेगा। तो मूल में क्लेश है, तो जब मूल में क्लेश बैठे रहते हैं तब प्रारब्ध बन करके तीन प्रकार से कर्मों का फल हमें मिलता है। वो कैसे, जाति, आयु और भोग। जाति, जैसे आप इसे चर्मकार, कुंभकार, ब्राह्मण, राजपूत और ये सब जितनी भी हैं, इस प्रकार से नहीं समझें। जाति का अर्थ होता है मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, रेंगने वाले, या उसमें भी फिर अलग अलग, गधा, घोड़ा, मच्छर, कुत्ते, कुतिया और कीट पतंग, सांप, बिच्छू, जितने भी हैं सबकी अपनी अपनी एक जाति है। तो जैसे हमें जन्म मिला मनुष्य जाति, तो यह हमारे कर्मों का फल है। हमारे बहुत सारे कर्म हैं तो सबका फल हमें इस जीवन में नहीं मिलता है। इससे पहले के सूत्र में कहा है दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। इस जन्म में भी कर्मों का फल मिलता है और अगले जन्म में भी कर्मों का फल मिलता है, और कई जन्मों तक कई सारे कर्मों का फल मिल सकता है। तो बहुत सारा होता है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकल करके हमें इस जन्म में फल देता है। तो जाति, उसके बाद में आयु। तो हर जाति की एक औसतन आयु होती है, जैसे मनुष्य की 100 वर्ष मानी जाती है, अभी थोड़ी सी कम हो गई। और जैसे कुत्ता है उसकी आयु 12 वर्ष मानी जाती है, घोड़े की कुछ और है, मक्खी की कुछ और है, मच्छर की कुछ और है। तो कुछ ही दिन जीते हैं, कुछ तो कई घंटे जीते हैं, कुछ कई महीनों जीते हैं, कुछ कई वर्षों जीते हैं, सबकी अपनी अपनी आयु। तो मनुष्य की औसतन 100 वर्ष मान लीजिए। कौन व्यक्ति कितना जिएगा वो उसके कर्मों का फल तय करेगा, किंतु उसमें वर्तमान में भी तो हम कर्म कर रहे हैं ना, तो उससे हम अपनी आयु को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने किसी कंपनी से बाइक खरीदी, तो बाइक का एक नियम है, ठीक है, आप ठीक ठाक उसे चलाते हो तो 15-20 वर्षों तक चल जाती है, बहुत अच्छे से केयर करते हो तो। लेकिन एक ही प्रकार से सबसे, कंपनी ने तो सबको एक जैसा बनाया, लेकिन हम उसको अपने ढंग से उसको बदल सकते हैं। आप उस पर 3-4 सवारी बिठा के गड्ढों में ब्रेकर पर चाहे जैसे चला रहे हो, उल्टा सीधा सर्विस करा नहीं रहे हो और ऐसे ही चला रहे हो, तो उसको तो जल्दी टूट जाना है। कुछ व्यक्ति उसको उससे भी ज़्यादा चला सकते हैं, तो वह अपने आप पर निर्भर करता है। तो इसके लिए वेद मंत्र है तक्षक्षुर देव हितम पुरस्थाक्ष क्रमुच्चरत। तो इसके अंतिम में भी एक वाक्य आता है भूयश्च शरद सता। हम 100 से भी अधिक जी, प्रार्थना की जा रही है, यानी कि हम उसे बदल सकते हैं। जिसको हम बदल नहीं सकते उसके लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम अपनी आयु घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहाँ से तय होकर के आता है, वो फिर आगे पीछे भी हो सकता है। तो वो अंततः निश्चित नहीं है कि ऐसा ही होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर बदल, तो फिर वैसा ही होना है जैसा कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो वैसे का वैसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप जीते हो तो दिन में न जाने कितने कर्म करते हो, तो उस ढंग से सब बदल जाता है, तो वह संभव ही नहीं है। इसीलिए हम कह नहीं सकते कि उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ लिखा हुआ होगा इसीलिए हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये आयु है। तीसरा होता है भोग। भोग के साधन में जड़ और चेतन दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। भोग में जैसे कि कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई सामान्य घर में पैदा हुआ, कोई किसान के घर में पैदा हुआ, कोई डॉक्टर के यहाँ, कोई वकील के यहाँ, जो जैसे जैसे घर में पैदा होता है वो उसके कर्मों का फल होता है। हमको जैसे माँ बाप मिलते हैं वो भी हमारे कर्मों का फल है। किसी को बेवड़े माँ बाप मिल जाते हैं, दारू पीते हैं, उनको पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता उनके बच्चों को, कुछ भी धार्मिक ग्रंथ या स्कूल कॉलेज वो कहीं भी नहीं जा पाते, वो उसके कर्मों का फल है।
जैसे कि आदिवासी लोग हैं, जैसे बस वो मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ ही रहते हैं खेतों पर, और फिर वो भी वहीं से थोड़े से बड़े होते हैं, वो भी फिर गेहूँ काटते हैं, सरसों काटते हैं, वो कभी पढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसा परिवार उनको मिला है, वो उनके कर्मों का फल है। अब उसको बाद में वह व्यक्ति बदल सकता है, वो अपने वर्तमान में ऐसे कर्म करे कि कहीं से भी कुछ भी करे और पढ़ ले, लिख ले, पैसा कमा ले, वो उसकी व्यक्तिगत फिर आगे की स्वतंत्रता है। तो जो कर्म भाग्य के रूप में बना, वो भी कर्म से ही बना है, वो निश्चित भी इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने पहले कुछ कर रखा है। परमात्मा अपनी ओर से कुछ नहीं देते, तो हम इसको अब भी फिर से बदल सकते हैं। तो जन्म होगा तब तो वही मिलेगा, और वही परिवेश जब तक रहेगा तब तक आप कुछ अलग से कर नहीं पाते। जैसे बचपन में बच्चा कुछ नहीं कर सकता, जैसे माँ बाप मिले उसे वैसा ही रहना है, तो वह उसके कर्मों का फल है। अब ऐसे ही किसी के घर में कोई ऐसे ही पैदा हो जाए, तब तो राम फिर अयोध्या में माता कौशल्या के गर्भ में ही क्यों पैदा हुए? आपके घर में भी राम जैसे लोग आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं आते ना, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे नहीं है। हम कहते हैं ना कि राम पैदा नहीं होते, कृष्ण पैदा नहीं होते, होते इसीलिए नहीं क्योंकि उनको जन्म देने वाला गर्भ है ही नहीं किसी का ऐसा। तो जैसे कोई भी गर्दभी सिंह को जन्म नहीं दे सकती, सिंह को जन्म देने के लिए सिंहनी का गर्भ आवश्यक है, उसके लिए उतनी शक्ति चाहिए। तो आप किसी महापुरुष को जन्म दें, उससे पहले आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, आपका गर्व वैसा होना चाहिए, आपकी मानसिकता वैसी होनी चाहिए, आपका परिवेश वैसा होना चाहिए। इसीलिए अच्छे लोगों की कमी है, क्योंकि माँ बाप उस ढंग के हैं ही नहीं। तो हर किसी के घर में हर कोई नहीं पैदा होता है। अब जो हमें कर्मों का फल मिलता है ना, उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, पाप और पुण्य दोनों ही चीज़ों का फल होता है। जैसे कि हमारा भारत देश में जन्म हुआ, ये हमारे पुण्यों का फल है। हमारे देश में गंगा नदी बहती है, ये हमारे पुण्यों का फल है कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहाँ पर गंगा जैसी नदी प्रवाहित होती है। लेकिन पाप का फल भी है, ये पाप का फल है कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें गंगा जैसी नदी को दूषित किया जाता है, उसमें न जाने क्या क्या बहाया जाता है, इतना प्रदूषित किया जाता है नदी को, और ऐसे न जाने कितनी नदियाँ। हमारा पुण्य कर्मों का ही फल है कि भारत में जन्म मिला जहाँ पर अध्यात्म और धर्म की बातें होती हैं। लेकिन पाप का भी फल है कि तुम भारत में भी जन्म लेके अध्यात्म और धर्म से नहीं जुड़ पा रहे हो, आपको वैसा परिवेश नहीं मिला, उसमें ये पाप भी है साथ में। तो पाप और पुण्य दोनों के ही फल स्वरूप हमें जन्म मिलता है। जब पुण्य की अधिकता हो जाती है, आपके 50% से अधिक पुण्य होते हैं, तो मनुष्य जन्म मिलता है, फिर उसमें पाप भी साथ में रहते हैं। तो आपको कैसे माँ बाप मिलेंगे? अब इसमें कुछ लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि वो कहते हैं कि अमीर घर में जन्म देना, गरीब घर में जन्म देना, ये परमात्मा का काम नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में पैसा महत्वपूर्ण हो सकता है, तुम्हें लगता है कि वो अमीर है, वो गरीब है, परमात्मा को पैसे से कोई अंतर नहीं पड़ता, वो नहीं जानता कि क्या है। परमात्मा के सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप अमीर गरीब, ये तुम कर्मों के फल के कारण हो, ऐसा नहीं है, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं, अमीरी गरीबी ये भ्रांति है, ऐसे करके कुछ लोग कहते हैं। तो परमात्मा की दृष्टि में अमीरी गरीबी क्या है, उससे जन्म नहीं मिलता है। हमारी दृष्टि में हम किसे सुख मान रहे हैं, किसमें आनंद प्राप्त कर रहे हैं, किससे हमें शांति मिल रही है, किसमें हम अपनी कृतकृत्यता मान रहे हैं, परमात्मा हमें वह देता है। तो परमात्मा तो अमीरी गरीबी छोड़िए, परमात्मा की दृष्टि में तो ये जन्म भी गलत है, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है कि तुम मुक्त रहो, मुक्त हो जाओ, मोक्ष को प्राप्त करो। तो परमात्मा की दृष्टि में तो जो मनुष्य शरीर है ना, वो भी नाली का कीड़े जैसा है। परमात्मा की दृष्टि में जो हमें भूख लग रही है ना, खाना पीना, ये भोग, ये सब गलत है। वो चाहता है कि हमारी और उच्च स्थिति हो, मुक्त हो जाए इससे सूक्ष्म शरीर से और इस प्रकृति के बंधन से। तो परमात्मा की दृष्टि तो बहुत ऊंची है, फिर तो जन्म ही नहीं होगा हमारा। हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वह हमें फल स्वरूप मिलता है। हमें संतान चाहिए तो परमात्मा संतान देता है हमारे पुण्य के कारण। हम और ये भी तो अविद्या है ना, बिना संतान के भी तो व्यक्ति मस्त रह सकता है, नो टेंशन रह सकता है, आनंद से जीवन व्यतीत कर सकता है, तो ये भी अविद्या ही है। लेकिन वो फिर भी आपको संतान दे रहा है क्योंकि आप उसमें सुख खोज रहे हो।
आपके पुण्यों का फल होता है सुख और पापों का फल होता है दुख। तो पुण्य किया है उसका फल हमें सुख के रूप में मिलता है, तो हम उसमें सुख देख रहे हैं इसीलिए वो हमें मिल रहा है। तो अमीरी गरीबी भी हमारे कर्मों का कारण है जब हम जन्म लेते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें समझने को हैं, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत है ना, कर्म गतिर विचित्रा दुर्विज्ञाना चेति। महर्षि वेद व्यास जी ने इसका भाष्य करते हुए बताया कि कर्म की गति इतनी विचित्र है कि एक एक कर्म को आप नहीं बता सकते इसका ये फल है इसका ये फल है, क्योंकि बदलता रहता है, इतने कर्म रहते हैं, कौन का किससे कहाँ संयोग होगा ये हम कह नहीं सकते। तो अंग्रेजों ने हमें लूटा, हम गरीब हो गए, तो कह दे कि हम गरीबी का ये सब परिणाम है, तो जन्म हुआ वो सब हुआ, लेकिन लूट है उसके लिए हमें लड़ना है, वो एक अपनी स्वतंत्रता है। हमको नेता लोग लूट रहे हैं तो लूट रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कुछ भी जो भी कर सकते हैं वो करें, तो ऐसा नहीं कर्म का फल है इसीलिए गरीब है, ये एक दूसरी बात है, हम इस ढंग से भी सोचें। तो जन्म मिला वो मिला, अब उस क्योंकि साधनों का अभाव है ना, हमारे पास साधनों का अभाव होता है तो हम बहुत अधिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, और जिनके पास साधन पहले से ही उपलब्ध हैं बहुत तेज गति से उन्नति कर सकते हैं। आपकी इच्छा है अध्यात्म को जानने की, ग्रंथ पढ़ने की, बहुत कुछ करने की, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है। यदि आपने अध्यात्म के लिए समय निकाला, धर्म के लिए समय निकाला, पढ़ने के लिए समय निकाला, धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए, तो आप पेट ही नहीं भर पाओगे अपना, क्योंकि आपको 12 घंटे ड्यूटी देनी है तब आपको भोजन मिलेगा, तो आपको ये अवसर नहीं मिल रहा है, तो आपका समय उधर ही जा रहा है। सोचिए यदि किसी का अमीर घर में जन्म हुआ है, पैसे वाले माँ बाप मिले हैं उसे, तो उसको इस सब के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, उसको जो चाहिए मिलेगा, तुझे क्या पढ़ना है पढ़ बस, उसको कमाने की चिंता नहीं करनी है, तो वो उस दुख से बच रहा है, तो उसे जो सुख मिल रहे हैं ना, मांगते ही जो चीज़ मिल रही है वो उसके कर्मों का फल है। तो अमीरी गरीबी परमात्मा की दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि में जो है वह हमें मिलता है, तो ये भ्रांति न पालें। तो ऐसे ही माँ बाप हमारा, और स्थान भी जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, अब किसी व्यक्ति का ऐसे घर में जन्म हो गया जहाँ पर बहुत सारा लाउड स्पीकर बजता है, कहीं मंदिर है तो वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, नहीं मस्जिद तो फिर दिन में 5 बार तो वहाँ से आवाज़ आती ही रहती है, और आप पढ़ना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ जो कुछ भी है, और डिस्टरबेंस हो रहा है आपको, बहुत सारी चारों ओर से आवाज़ आ रही है, अल्लाह अकबर फलाना फलाना जो भी है, तो आपको बहुत कष्ट हो रहा है, तो वो जो आपको स्थान मिला है वो भी आपके कर्मों का परिणाम है। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत शीत होती है, बहुत ठंड होती है, तो ठंड भी तो दुख है ना, तो किसी का जन्म ही वहाँ पर हो गया तो उसके कर्मों का फल है। कोई ऐसे स्थान पर है जहाँ पर बहुत सारी ऋतुएं हैं, हर ऋतु का आनंद लेते हैं जैसे कि भारत, तो ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है। और भारत में भी जहाँ कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं है, बिजली नहीं है, और यातायात के साधन नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, वो ऐसी जगह पर भगवान ने उनको भेज रखा है, वो भी उनके कर्मों का फल है। संसार में इतनी विविधता है ना, वो कर्म के भेद के कारण ही है। सृष्टि में जितनी विचित्रता दिख रही है ना, कोई अमीर कोई गरीब, कोई पढ़ने वाला, किसी के पास बुद्धि है किसी के पास नहीं है, किसको क्या मिल रहा है किसको क्या नहीं मिल रहा है, वह सब उसके कर्मों के भेद के कारण ही है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही प्रवेश होगा। अब इसमें रही विवाह वाली बात, तो जब हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेते समय हम तय नहीं कर सकते कि किस माँ बाप के घर में जन्म लेना है, वो तो हमने जो कर रखा था वो उसके अनुसार मिलेगा, उसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन जब आप विवाह करते हैं उसमें आपकी पूरी स्वतंत्रता है, उसमें भी कर्मों का फल हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही है, यह भी सत्य है, क्योंकि माँ बाप हमें जो चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, जैसा परिवेश मिला है, धार्मिक माता पिता हैं, तो आपको ये चीज़ें फिर गिफ्ट में ही मिलती हैं, धार्मिक माता, उसके लिए आपको अलग से संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको यदि अच्छी पत्नी मिली जो आपके विचारों के अनुकूल है, आप भी धर्म में गति करना चाहते हैं, अध्यात्म में गति करना चाहते हैं, या आप किसी भी क्षेत्र में, तो वो जिसमें वह आपका पूरा समर्थन करे और आप उनका, तो ऐसे विचार मिलें, तो ऐसी पति और पत्नी मिलना, उसमें कर्म भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, किंतु अंततः उसमें हम वर्तमान के कर्मों के कारण अपने को बदल करके अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, इसीलिए भगवान तय करके भेजता है, उसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि माँ बाप को हम चयन नहीं कर सकते थे, किंतु
अब हमने जैसी व्यवस्थाएं बनाई अपनी, जैसी अपनी योग्यता अर्जित की, आप बहुत अच्छे पढ़ लिख गए, बहुत उन्नति कर ली, तो आपको उसी ढंग की पत्नी मिलेगी या उसी ढंग का पति मिलेगा, क्योंकि आपका स्टेटस ऐसा है कि अब आप वैसे ही पति पत्नी खोजेंगे, हर किसी के साथ सेट नहीं हो सकते। तो आपने अपने आप को बदला है, तो उस ढंग से आपको जीवन साथी मिलेगा। तो उसमें हम चयन कर सकते, कहते हैं ना अरे उसके भाग्य में तो वही था, और या हम सगाई संबंध जहाँ भी करते हैं तो बोलते हैं जिसके भाग्य में जो होगा वही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वहाँ हमने बहुत प्रयास किया, वहाँ हुआ नहीं, यहीं हो गया, तो ये भी कर्म का फल है। तो पूर्ण रूप से उसको कर्म का फल नहीं कहेंगे। और अंतिम निर्णय लेने की हमारी स्वतंत्रता है कि हम किससे विवाह करें या नहीं करें। तो वर्तमान के कर्म हमें बहुत प्रभावित करेंगे, उसमें उनका भी फल मिलता है। तो पिछले जन्मों का हमें कर्मों का फल मिल रहा है वह बात अलग है, और हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उनका इस जन्म में भी फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम इस जन्म में कर रहे हैं सब अगले जन्म में होगा, सब अगले जन्म में नहीं होता। जो इस जन्म में फल देने लायक नहीं है वही अगले जन्म में मिलेगा, जो अभी मिल सकता है परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार वो अभी मिलेगा। और कुछ कर्मों के फल तो तुरंत ही मिल जाते हैं, कुछ के बाद में, कुछ के जवानी में, कुछ के बुढ़ापे में, तो मिलता है। तो इस ढंग से हम इसे समझें। तो ऐसे ही कि किसी के भी साथ सेट हो जाओ, भगवान ने चाहा होगा तो शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और भोग के जो भी साधन जिनकी हम बात कर रहे थे, पैसा है, साधन है, जिस भी प्रकार के जो भी साधन हमें भोगने के काम आते हैं, वह हमारे पुण्यों का फल है। अब उसमें गलत साधन मिल गए तो वो पाप का फल कह सकते हैं उसे, और सही साधन मिल गए तो पुण्यों का फल है। जब हमें जन्म मिलता है तो यह बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें प्रारब्ध के रूप में निश्चित होकर के मिलती हैं, कि आपको इस जन्म में इस आयु पर बुद्धि आपकी जागेगी। कुछ के साथ होता है ना, वो बहुत प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो जीवन में क्रांति आ गई। क्यों? क्योंकि उसका समय इसी के आसपास इसी ढंग से तय था कि इसके साथ ऐसा होना है। तो समय समय के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम इस बात को समझें, जाति एक बार मिल गई, अब ये मिल गई, अब इसमें आयु भी जो भी थी वो मिल गई, भोग मिल गए, जो मिलने थे वो मिल गए, उसमें पूरा सेटअप है, कब क्या कैसे होना है वो भी है, लेकिन अब और जो कर्म थे पीछे के वो भी कभी कभी आ सकते हैं और वो उसको प्रभावित करेंगे, क्योंकि हमारा एक भी कर्म है ना वो आगे मिलने वाले कर्म फल को भी अस्त व्यस्त इधर उधर कर सकता है। कोई भी फल मिलने वाला है, लेकिन हमने ऐसा कुछ कर दिया कि अब वो फल अभी नहीं मिलेगा, अब वो दूसरे ढंग से घूम फिर करके मिलेगा। मिलना है ये तो तय है, लेकिन कहाँ कैसे मिलेगा नहीं कह सकते। तो वर्तमान से भी हम बदल सकते हैं, यद्यपि वो पूरा एक सेटअप जैसा है प्रारब्ध के रूप में, आपको ऐसा 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 होना है, आपको यहाँ जन्म लेना है, इसके बाद ये करना है। तो कहते हैं ना, कुछ लोग तो यही करने आए थे, कहते हैं ना जो जिसके लिए आया वो वही करता है, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। और जैसा जैसा है उसके कर्म वो उसी ढंग से करते हैं। वर्तमान में यदि वो कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो वो कर्मों के अनुसार चलता है। ये भी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो कर्म फल का जो विचार है ना बहुत गहन है, इसको आप स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते इस विषय में। ऋषियों ने भी सरेंडर किया है हाथ उठा करके कि भाई पूरा पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि इतने कर्म हैं, कौन से क्या कर्म हैं हम क्या कह सकते हैं। तो जाति, आयु और भोग, यदि आप अपने माता पिता से परेशान हैं तो आप उनसे बहुत सारी शिकायतें तो करते हैं, या आपका बेटा है, आप अपने बेटे से बहुत सारी शिकायतें करते हैं, तो शिकायतें करें, समझाएं, और जो भी प्रतिकूलता है उसको भी ठीक करें, क्योंकि ठीक तो करना ही है। कर्म फल के कारण गलत मिल गया तो अब उसे ठीक न करें, ये भी ठीक नहीं है। ठीक तो हमें सब करना ही है, किंतु उसके पीछे हम अपने आप को भी दोष दें, हम भी देखें कि हमने कुछ ऐसा कर्म किया ये मुझे मिला। जैसे कि आपने किसी बेटे को जन्म दिया, तो वह बेटा आपको सुख देगा या दुख देगा, कैसी मति होगी उसकी, कैसी गति होगी, वह भी कर्म के ही अनुसार था। तो आपने जैसे कर्म किए वैसे आपको संतान मिली, तो उसमें दोष अपने आप को भी दें। और यदि बच्चा अच्छा है तो आप अपने आप को गौरवशाली समझें कि आपके अच्छे कर्म थे तब आपको ऐसी संतान मिली या आपको ऐसे माता पिता मिले। कईयों के माता पिता शराब पी के डूबे रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, पढ़ने लिखने नहीं देते, या जो कुछ भी चीज़ें हैं। तो हम उसमें हम भी दोषी हैं कि हमें इन लोगों का साथ मिला है। तो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, इस पर और विचार करें। बाकी बातें फिर अगले वीडियो में करेंगे, आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं इसमें।